हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जॉब की नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। यहाँ CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्रपाल, सहायक वन संरक्षक समेत कुल 178 पोस्ट निकाली है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नई नई जानकारी अब तक जल्दी से पहुँच सके। तो आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ ACF और वन रेंजर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन फॉर्म 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2021 तक होगा। चलिए अब इसकी कुछ और जानकारी आपको मैं बता दूं। तो नया रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सक्रिय हो गया है, आप 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नए उम्मीदवार 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई से कर सकते हैं। और जो उम्मीदवार पहले ही 16 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 के बीच आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2021 से 4 11 2021 तक अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जिसकी ऊपरी आयु में छूट 3 वर्ष होगी और परीक्षा की तिथि होगी 5 दिसंबर 2021 को तथा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें टोटल वैकेंसियों की संख्या कुल 178 यानी कि 178 है तथा इसका न्यूनतम वेतनमान मासिक होगा 38,100 रुपये, यह न्यूनतम वेतनमान है तथा इसका अधिकतम वेतनमान है 56,100 रुपये। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेतनमान 38,100 रुपये से लेकर 56,100 रुपये तक है तथा इसमें एज लिमिट मिनिमम 21 साल तथा मैक्सिमम 40 वर्ष है तथा इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस रिटर्न एग्जाम तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसकी आवेदन शुरू होने की तारीख है 11 अक्टूबर 2021 तथा आवेदन की अंतिम तिथि होगी 30 अक्टूबर 2021 12 बजे तक रात के, तथा आप इसे में करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन का लास्ट डेट होगा 4 नवंबर 2021 तक, उसके बाद आप अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे तथा इसकी एग्जाम डेट है 5 दिसंबर 2021। अब इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दूं तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये तथा अदर स्टेट यानी छत्तीसगढ़ से बाहर वाले अभ्यर्थियों को 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस लगेगा तथा EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को भी 400 रुपये का फीस तथा अदर स्टेट वाले को भी 400 रुपये का फीस देना पड़ेगा। OBC को 300 रुपये तथा अदर स्टेट के OBC को 400 रुपये का फीस, SC के लिए 300 रुपये का फीस तथा अदर स्टेट के SC कैटेगरी वालों को भी 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा तथा ST के लिए भी 300 रुपये और अदर स्टेट के लिए 400 रुपये। आप इसे पेमेंट का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट होना है। इसके बारे में आपको जानकारी बता दूं तो अदर कैटेगरी के लिए हाइट पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर तथा महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। अगला है हाइट ST कैटेगरी के लिए, तो यहाँ है पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर तथा महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेस्ट यानी छाती का मेल के लिए 79 सेंटीमीटर तथा फीमेल के लिए 74 सेंटीमीटर और चेस्ट का एक्सप्रेशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपका वॉकिंग होगा यानी पैदल चलना होगा, मेल के लिए 26 किलोमीटर
तथा फीमेल के लिए 16 किलोमीटर, और यह टाइम 4 घंटों का होगा। 4 घंटे में आपको यह दूरी तय करना है। अगला देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए आपका मांगा गया है 12th का एग्ज़ाम पास आउट तथा इसके साथ साथ बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लें तथा अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। और यह ग्रेजुएशन किस किस ट्रेड में होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। तो इसमें ट्रेड है साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर, बोटनी, कंप्यूटर एप्लीकेंट, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, गार्डनिंग, फिजिक्स, एनिमल साइंस या जूलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी एज लिमिट। तो एज की लिमिट की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता दूं तो यहाँ पे आयु की सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम अन्य राज्यों के लिए 30 वर्ष तथा छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए यह 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एज 21 वर्ष तथा मैक्सिमम अदर स्टेट के लिए 30 वर्ष और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यह 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ वन रक्षक में 2 पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है पहले पोस्ट का नाम है CGPSC ACF का, जिसमें जनरल के 8 पोस्ट हैं, OBC के 2 पोस्ट हैं, SC के 3 पोस्ट हैं तथा ST के 8 पोस्ट हैं। यहाँ पे ACF का मतलब है सहायक वन संरक्षक का पोस्ट, जिसमें सहायक वन संरक्षक के कुल 21 पोस्ट खाली हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पोस्ट का नाम है CGPSC फॉरेस्ट रेंजर यानी कि वन क्षेत्रपाल का, जिसमें जनरल के 66 पोस्ट हैं, OBC की 22 पोस्ट हैं, SC की 19 पोस्ट हैं तथा ST के कुल 50 पोस्ट यानी कि वन क्षेत्रपाल के कुल 157 पोस्ट खाली हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ACF का वेतनमान है 56,100 रुपये तथा फॉरेस्ट रेंजर का पेमेंट है 38,100 रुपये। तो दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।